तो आज के सेशन में यूज़र मैनेजमेंट में आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड ओयू को कैसे डिलीट करते हैं हम देखेंगे। तो इसके लिए देखिए जाएंगे यहाँ पे dsa.msc में और देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं ओयू। कमांड से भी आप ओयू बना सकते हो। देखो इसके लिए आप यहाँ पे ds add ou लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको लिखना पड़ेगा ou इज इक्वल टू जिस भी नाम से आप ou बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने बनानी है मार्केटिंग, फिर लिखना है dc इज इक्वल टू gmail कॉमा dc इज इक्वल टू कॉम। इसका पाथ आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये ou बन के आपका तैयार हो जाएगा। रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना होगा। ये देखो मार्केटिंग यहाँ पे बन के तैयार है। अगर आपको ou के अंदर फर्दर ou बनाने हैं तो उसके लिए देखो कमांड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ds add ou आ गया, ou इज इक्वल टू। अब इसके अंदर आप कोई और बनाना चाहते हो, आपने यहाँ पे बना दिया नोएडा, ठीक है। नोएडा के अंदर ये मार्केटिंग के अंदर आप नोएडा बनाना चाहते हो। ये देखो इस तरह से यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आके मार्केटिंग के अंदर नोएडा बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना उस ओयू का नाम पहले लिखना होगा जो बनाना चाहते हो, फिर उस किसके अंदर बन रहा है उसका नाम बाद में आएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमने ओयूज़ बनाए हैं ये प्रोटेक्टेड नहीं है। आप इसे राइट क्लिक करोगे, डिलीट करोगे ऑप्शन, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस डिलीट हो गया, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन जो ओयू हम यहाँ से बनाते हैं ना वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। देखो न्यू ओयू, अब यहाँ पे देखो ओयू का नाम आपने रख दिया दिल्ली। देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। हम यहाँ पे ओयू बन के तैयार है, डिलीट करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड ओयू है, डिलीट नहीं होगा। तो जो ओयू कमांड से बनाओगे वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन जो आप यहाँ पे बनाते हो प्रोटेक्टेड हो जाता है आपका। अब इस तरह के ओयू को डिलीट कैसे किया जाता है? अगर इसके अंदर वो यूज़र है तो पहले यूज़र को आपको डिलीट करना होगा। जैसे मान के चलते हैं इसके अंदर कोई यूज़र है, मैं यूज़र डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने यूज़र डाल दिया, मूव कर देता हूँ उसको दिल्ली ओयू, ये रहा दिल्ली ओयू, यूज़र हो गया। अब देखो अगर आप डिलीट करोगे वैसे तो डिलीट होगा नहीं, अब आपको प्रोटेक्शन हटानी है। प्रोटेक्शन कैसे हटाओगे? व्यू में जाओगे, एडवांस फीचर्स, ओयू कहाँ गया हमारा, ये रहा ओयू। प्रॉपर्टीज में आएंगे इसकी, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देखो अनचेक कर देंगे हम प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अब अगर इस ओयू को डिलीट करते हैं तो देखो ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कंटेंट है। अगर आप क्या करना चाहते हो, इसको डिलीट करना चाहते हो तो यस करो, तो ओयू भी चला गया और उसके यूज़र भी चले गए। अगर इस तरह के ओयू आप डिलीट करना चाहते हो तो पहले यूज़र को किसी और ओयू में शिफ्ट करा दीजिए और फिर उस ओयू को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, यूज़र सहित वो ओयू डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब किसी ओयू को प्रोटेक्टेड करना है आपका, जैसे आप ओयू है यहाँ पे देखो नॉर्मली हमारा देखो ये ऑफ रहता है। अब जैसे OPT है, ये यहाँ देखो ऑप्शन नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ जाके आप प्रोटेक्शन नहीं हटा सकते। तो फिर आप क्या करोगे, व्यू में जाके एडवांस फीचर में जाओगे, अब मिल जाएगा आपको ऑप्शन वो प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर आप जाओगे ऑब्जेक्ट, यहाँ मिल गया आपको। ध्यान रखना एडवांस फीचर करोगे तो ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, हाइड हो जाएगा आपका, ठीक है।
इसी तरह से यूज़र को अगर प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करोगे? यूज़र है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप टिक कर दोगे, यूज़र प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्टेड यूज़र को अगर डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं होगा, ये देखो। अनप्रोटेक्ट करना है, एडवांस फीचर में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, अनचेक कर देना है। तो ये तरीका है प्रोटेक्टेड ओयू को डिलीट करना और प्रोटेक्ट करना। ओयू को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है। और फिर से वापस से इसको आप हटा दोगे, जिससे कि कोई भी उसको डायरेक्ट एक्सेस ना करे, ठीक है। तो ये तरीका है ओयू को प्रोटेक्ट करना, यूज़र को प्रोटेक्ट करना, ठीक है।